ये एक जो है ना बैटल बन चुकी है, बैटल का वो बन चुका है मैदान। तो इसमें ये है कि हमारी जो है ना अना पे बात आ जाती है बात। इट्स मोर लाइक अ जंग, एक जंग होती है कि जिसके अंदर कोई और चीज़ नहीं होती, सिर्फ एक चीज़ होती है कि यार कौन जीतेगा। इंडिया पाकिस्तान को चाहिए रगड़ के रखते, अभी भी मेरा दिल ये सबका दिल ये करता है सारी जनरेशन। एक तरह से उनके दिल में डर भी है, पाकिस्तान की टीम से डर भी रहता है। हमारा पैशन ही है क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट को बिजनेस किसी और टर्म में देखा जाए, मगर हमारे लिए क्रिकेट इज एक्चुअली पैशन। अटैक करें जैसे इमरान खान के दौर में होती थी ना क्रिकेट, वो हम इंडिया में हमेशा अटैक करते थे। इंडिया एक दफ़ा अटैक के अंदर आ जाएगा तो वो दब जाएगा, वो फिर नहीं खेल सकेगा। ओ भाई असी मैच नु की कर सकने, सानू खाण नु लबण दे थे, मैच नु की करना है। अगर वो मैच जित भी जाते हैं, मजदूर ने जो घर जाना है उन्हें बच्चों ये तो नहीं जाके कहना कि असी मैच जित गए, बच्चों ने तो कहना सानू कोई चीज़ दियो खाने लई, भुखे बैठे हैं। मैच जित गया तो कहड़ा उन्हें सानू कणक लै देनी बिल खा लो। सर जी सानू किस नाम नहीं है, बच्चे भुखे तो सानू किस गल की समझ नहीं आ रही, बच्चों ने कुछ लभेगा तो साढ़े दिल में सुकून लगेगा, जो बच्चे भुखे सानू किसी किस गल की समझ नहीं आ रही। 6 बजे तो बैठे हर टाइम से कोई लै जाएंगे तो बच्चे चुल बलेगी डीवा बलेगा, नहीं बलेंगे ना किराया दिपेगा तो ना कुछ होगा। साड़ी वास्ते मैच जीते कोई हरे सानू किस गल। आपको लगता है कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम इंडिया को ये मैसेज दे सकते हैं कि आप जितने मर्जी अमीर हों, जितनी अच्छी क्रिकेट खेलते हो, हम सिर्फ जज्बे से जीते? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम हमेशा से जब भी जीते हमने यही पैगाम इंडिया को दिया, क्योंकि वो हमेशा एरोगेंट रहे हैं अपने रिसोर्सेज पे, और हमने हमेशा जब भी जीता है तो हम अपने लैक ऑफ रिसोर्सेज के अंदर हम दिखाते हैं कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे क्रिकेट के अंदर इतनी ज़्यादा वो अप्रोच नहीं है जिस तरह इंडिया के पास है, वो प्लेयर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम जीत जाते हैं। तो ये टोटली हमारा पैशन है। इतना जज्बा पाकिस्तान में 14 अगस्त के लिए है, उतना ही इस विक्ट्री के लिए भी होता है, तो एक रिलीफ मिलता है, एक खुशी मिलती है, और इतनी मुसीबतों में ये छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं नेशन को काम डाउन करने में और कॉन्फिडेंट होने में। हर फील्ड में इंडिया अगर आप देखें ना तो हमेशा वो पाकिस्तान को रगड़ने के चक्कर में रहता है, और ये करता है। उसके 200 मीडिया चैनल्स हैं जो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बकबक करते रहते हैं, उसको इंडिया को जवाब देने के लिए कल ये अच्छा मौका हमारे पास। हमारा मीडिया, हमारे पास उतने चैनल नहीं है जितने माशाल्लाह, जारी बात है, लेकिन है तो रहती है, थोड़ा हमारा ये वीक एरिया, हमारा मतलब इसको कहते हैं ना कि ये कौन सी वॉर है, ये मीडिया वॉर है, उसमें थोड़े वीक पड़ते हैं, तो ये कल अच्छा मौका है पाकिस्तान को, इंडिया को करारा जवाब देने। अगर हम कल इंडिया को हरा देते हैं तो जो पेट्रोल के अंदर इतना इजाफा हुआ है वो दुख तो हमें भूल जाएगा ना, थोड़ी देर के लिए तो भूल जाएगा। जी जी, और महंगाई का दुख भी भूल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे एक हफ्ता तो कम से कम भूला रहेगा। महंगाई का मैच नाल की लगा दे, उन्हें महंगाई तो करनी करनी है, चाहे वो मैच खिडाए चाहे जो मर्जी करे, पेट्रोल देखो कितने चला गया। रोटी खानी है सानू देना तो कम ही ने, एवं तो नहीं देना ने, कम तो चलन देना, असि आदे हथां पैरां दी मेहनत करते खाइए, इले कम ही बंद है फिर असि खाना की, महंगाई बहुत है। थोड़ी देर के लिए नहीं, दो एक दिन, एक हफ्ते, 10 दिन बहुत खुशी रहेगी इंशाल्लाह, पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आएगा जो कि मेरे ख्याल में आना चाहिए, यही ज़रूरत है हमें, यही क्रिकेट ही जोड़ती है हमें, तो इंशाल्लाह। कितना अरसा इस खुशी का हैंगओवर रहेगा? मेरे ख्याल से जब तक नेक्स्ट मैच नहीं हो जाता तब तक तो ऑब्वियसली हम इसको खुशी को मनाएंगे इंशाल्लाह। 2-4 दिन के लिए, वो पूरे साल के लिए होते हैं जब तक अगला मैच नहीं आता। अब आज भी आप चैंपियंस ट्रॉफी को याद कर रहे होते हैं, अब जब हम कल मैच कर रहे होंगे या बात कर रहे होंगे तो वो चैंपियंस ट्रॉफी आपके जहन में होगी, सरफराज आपके जहन में होगा कि हमने किस तरह मैच जीता था। कितने अरसे के लिए हमें हैंगओवर रहेगा जीत का? बस रहेगा, नहीं ये हैंगओवर तो सदा ही रहेगा, जब पिछला नहीं भूले हम। अच्छा, जो चैंपियंस ट्रॉफी की, वो मुझे भी अच्छी तरह याद है, आमिर की बॉलिंग जब उसने ये कोहली को आउट किया था, यस दूसरी तीसरी बॉल, वो मैं अभी तक नहीं भूला, तो हम कैसे भूल सकते हैं। 92 को नहीं भूले सकते, 92 मैं कल अपने बेटे के साथ बैठ के 92 के हाईलाइट्स देख रहा था। ठीक नहीं ना होगा जदों का इमरान खान आया उदों का इतने वहाँ मर रहे भुख न, सवेर 7 बजे हमने 11 बजे तक रात तक खड़ोना है। हाँ जी फिर भी। आपको लगता है कि जो कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है मोदी, उसका भी बदला ले सकते हैं मैच जीत के? बिल्कुल ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, एक बड़ा अच्छा मैसेज आएगा पूरी दुनिया को, जाएगा इंग्लैंड को, जाएगा न्यूजीलैंड को, जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, जाएगा जब हम ये मैच जीतेंगे वो सारे आएंगे पाकिस्तान खेलने।
इंडिया की कंस्पिरेसी में न्यूजीलैंड वापस गई, तो ये बदला लेने का भी मौका है इंडिया से जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की? क्यों नहीं, क्यों नहीं, जाहिर है ताकि उनको भी पता चल जाए कि हम कितने पारी में हैं। सर इंडिया की टीम जितनी भी तगड़ी हो बट पाकिस्तान का जो जज्बा है और पाकिस्तान का जो जो इस वक्त जिस तरह बाबर आजम खेल रहे हैं और जिस तरह वो कैप्टनसी कर रहे हैं और जो स्टैट्स बता रहे हैं कि हम अभी तक लाहौर दुबई के अंदर कोई मैच नहीं हारे और पास्ट सिक्स मैचेस के अंदर, तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। मजदूर तो हरा पिया जी, मजदूर तो हरा ही पिया, मजदूर तो पहले निगे आँधी पे सारा हरा पिया, जिले खाण नू नहीं लभना असीं तो हरा ही पाया।